दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा का वाकया है कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार पड़ जाती है। अल्लाह के रसूल उनके घर तक दस्तक देते हैं, उनके घर तशरीफ़ ले जाते हैं, दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज़ देते हैं, ए बेटी फातिमा मैं तुम्हारा अब्बू, तू किधर है, दरवाज़ा खोलो। रोने जैसी आवाज़ सुन करके, अल्लाह के रसूल की आवाज़ सुन करके सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। जवाब में रोने जैसी आवाज आई, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, अब्बू जान अंदर आने से पहले अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार कर अंदर फेंक दी। उसके बाद इजाजत हुई कि अब्बू अंदर आ जाइए। अल्लाह के रसूल अंदर आए, बैठे, देख रहे हैं बीवी फातिमा के आंखों में आंसू जारी है। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, बेटी क्या माजरा है, क्या बात है? कहने लगी, अब्बू बहुत गुर्बत है, परेशानी है, मेरे पास वो कपड़े नहीं है जो पहन करके मैं आपके नज़दीक आती, कैसे जाती, इसलिए मैंने चादर मंगवाई। फिर दूसरे मौका से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचते हैं। देख रहे हैं कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठ कर नमाज पढ़ रही है। नमाज से फारिग हुई, अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई, दुआ सलाम हुए। दुआ सलाम के बाद फातिमा रोने लगी, आंखों में आंसू जारी हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटी क्या बात है, बहुत घबराई लग रही हो, आंखों में आंसू है, क्या परेशानी है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, अब्बू मैं कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ती थी, मैं हमेशा खड़े होकर नमाज पढ़ती थी, लेकिन 7 दिन का फाका है, इस फाके की वजह से मैं खड़ी होकर नमाज ना पढ़ सकी, खड़े होने की कमर में ताकत नहीं है, इसलिए मैं बैठ के नमाज अदा कर रही हूँ। आंखों में आंसू जारी है। अल्लाह के रसूल समझ गए कि मेरी बेटी घबरा गई है, अगर आजकल की बेटी होती ना तो सबसे पहले सास का शिकायत करती, ससुर का शिकायत करते, ना जाने किनका किनका सारा पोटरी लेके बैठ जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी घबरा मत। दरियाए रहमत जोश में आई। जोश में आने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटी फातिमा जरा मुसल्ला तो उठाओ। फातिमा जैसे मुसल्ला उठाती है, देखती है सोने चांदी के अंबार पड़े हैं, ढेर लग गए। अल्लाह के रसूल कहते हैं, बेटी फातिमा जितना जी चाहे इनमें से उठा लो, सोना उठा लो, चांदी उठा लो, हीरे जवाहरात पड़े हैं, बेटी उठा लो, जाओ शाही महल बना लो, शाही बंगला बना लो, कोठी बना लो, गाड़ी मोटर ले लो, जो लेना है बेटी ले लो, आज जो करना है कर लो। फिर अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे, बेटी एक बात का ख्याल रखना, अगर ये दौलत यहाँ उठा लेती है, कल कयामत के दिन तुम्हें जन्नत में तुम्हारा हिस्सा नहीं रहेगा। इतना सुनना था कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंखों में आंसू जारी हो गए। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरकारे दो जहां काली कमली वाले से कहने लगी, ए अब्बू जान मैं ऐसी दौलत को थूकती हूँ, 1000 मरतबा थूकती हूँ, 1000000 मरतबा थूकती हूँ, जिसमें कि मेरा दुनिया बन जाए और आखरत उजड़ जाए, ऐसी दौलत में 1000 मरतबा थूकती हूँ। अगर आजकल की बेटी होती ना तो कहती, मेरी दुनिया बिगड़ता है, आखिरत बिगड़ता है तो बिगड़ने दे, लेकिन आज मुझे शाही महल बनाना है, आज मुझे 4 चक्का गाड़ी लेना है, आज हमें ज़मीन ख़रीदना है, आज इस तरह से आवाज़ आती। लेकिन अंदाज़ा लगाओ उस खातून ने जन्नत की अजमतों का क्या कहना। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला से हम लोग यही दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्का और सच्चा नमाजी बना दे।